आसन पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यदि किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से या फिर शनि पीड़ा से आप परेशान हैं तो सावन का महीना का यह उपाय आपके लिए बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है और इस महीने में आप शनि से संबंधित कोई उपाय करते हैं तो आपको विशेष रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में हम जो भी पूजा करते हैं, भक्त अपनी समस्याओं से संबंधित भोले बाबा का अभिषेक करते हैं उनकी मनपसंद चीज़ों से, जैसे अनाज हैं, द्रव्य हैं, फूल पत्ती है या फल वगैरह हैं, तो इन सभी चीज़ों से भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वहीं पर हम बात करें अनाजों की, तो अनाज में उड़द का दाना एक ऐसा दाना है जो शनि से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है। ग्रह दोष से संबंधित जो भी समस्याएँ, परेशानी, बाधा हैं, तो उन सभी का शमन करने के लिए काले उड़द के दाने यदि आप भोले बाबा पर यानी शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं, विशेषकर सावन के महीने में, तो इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि सावन के महीने में जो भी उपाय किया जाता है इसका कई गुना यानी कई हजार गुना इसका लाभ होता है, इसका फल मिलता है। इसीलिए आप सावन के महीने में काले उड़द आप भोले बाबा पर अर्पित करते हैं तो शनि दोष और ग्रह दोष से संबंधित सारी समस्याओं का भोले बाबा की कृपा से स्वतः ही शमन हो जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं पत्तों में पीपल की। पीपल में जैसा कि माना जाता है कि त्रिदेव का निवास होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है बहुत ही पूजनीय वृक्ष होता है। इसकी पूजा से बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का शमन होता है। यदि पीपल का पत्ता आप भोले बाबा पर सावन के महीने में अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, इससे पूजा करते हैं तो भोले बाबा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्तों के जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, विशेषकर शनि से संबंधित हों या फिर ग्रह दोष से संबंधित हों, तो पीपल का पत्ता बहुत ही ज़्यादा इसका उपाय करने से आपके शनि और ग्रह दोष से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो काला उड़द यानी उड़द हो और पीपल का पत्ता हो तो आपको ये दो जो जटिल समस्या है इन समस्याओं का बहुत ही साधारण सा उपाय करने पर आपको निजात मिल जाता है। भोले बाबा की कृपा से भक्तों के सारे कष्ट दुख दर्द दूर होते हैं, पाप कटते हैं और भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल आसान फल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।